वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये किचन है और हैं शेफ राहिला मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं जरा सी थकी हुई हूँ, थोड़ी थोड़ी मेरा चेहरा भी थोड़ा आपको लग रहा है। हाँ, मैं कल ज्यादा आउटडोर शूट पे जरा ज्यादा थक गई थी, क्योंकि मुझे जरा एसी सूट नहीं करता ज्यादा, और मैं 4-5 घंटे उसमें रही हूँ, तो उससे मैं जरा सा ज्यादा ही हो गई। चले, लेट्स सी, जिंदगी का ये भी एक हिस्सा है और अप डाउन चलता है। लेट्स सी, आप डिश का नाम क्या? आज की जो डिश है हमारी बहुत ही अच्छी डिश है, मजेदार से डिश है, मसालेदार फ्राई भिंडी आलू। अच्छा, ये फ्राई भिंडी तो पहले से कुछ ऐसे लग रहा है। देखे, ये सभी लाइव शो होता है, टाइम की थोड़ी सी होती है शॉर्टेज, तो ये हम लोगों ने ऑयल में पहले से ही फ्राई कर लिया है आलू। और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या जी? इसके इंग्रेडिएंट्स है नमक, सफेद जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च, सही है, पिसावा धनिया, पिसावा गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च और मेरा अपना पर्सनल चार मसाला प्याज है, टमाटर है और गार्निशिंग के लिए बड़े मिर्च हैं, हरी अदरक और हरा धनिया। क्या बात, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने रख लिया और ये है मसालेदार फ्राई भिंडी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और इसमें बड़े जबरदस्त इन्होंने जो है करी पत्ता वगैरह ऐड किया, और मैं तो कहती हूँ घर में हर किसी के करी पत्ता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं पता नहीं ये कितने हद तक बात सही है कि भिंडी जो है, मैं पता नहीं रात को खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा जूद हजम नहीं होती, दोपहर में बहुत अच्छी है, और भिंडी तो अच्छी हरी, तो मैं सुमैरा से पूछूँ, सुमैरा ये रात को क्या जल्दी खानी चाहिए हमें भिंडी जो रात को हजम नहीं होती, या मेरा ही ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट है? ऐसा तो नहीं है, हाँ दोपहर के वक्त इस्तेमाल करना है बेहतर है, मगर रात के वक्त भी ये हजम हो जाती है। मगर आपने ये करना है कि आपको अदरक वगैरह का या जीरा का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा आप पुदीने का इस्तेमाल साथ में किया करें अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो। ओके, यानी कि ये सिर्फ मेरा ऐसे ही हवा वाला कॉन्सेप्ट सलमान असले। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम जीरा ऐड करेंगे, जीरा, सफेद जीरा 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि ये इसका जायका अच्छा आता है। ठीक है, कड़ी पत्ता, ओए करी पत्ता, माय गॉड, और हरी मिर्च साबित। चीरा लगा दिया था, ये ऐसी कट लगाया कि नहीं? ये गार्निशिंग करेंगे। ये पटक पटक बोली ना, कुछ भी नहीं करेंगे पक्का, कुछ नहीं कहती, समझा के लाई थी, हरी मिर्चों को समझा दिया कि बिल्कुल शोर नहीं करना। इसने शोर करने से पहले हमने इसमें डाल देना है प्याज, ये प्याज ऐड कर देना है हमने, ये हरी मिर्चों के। अच्छा, किस आज मैं आपको चम्मच की डेफिनेशन बताती हूँ, पहले जरा हंडिया फोजा पे बताऊंगी। अक्सर लोग इसको बहुत बुरा कहते हैं कि लोग चमचे का रोल अदा करते हैं, रियली मैं आज बता रही हूँ, ये बहुत गलत बात है। देखिए, डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, तो इस चम्मच को या चमचे को हम अक्सर बोलते हैं या तुम चमचे का किरदार अदा करते हो, नो, ये वो चम्मच है जो सबको रल मिला देता है, लाइक इसमें नहीं नहीं देखिए, ये सबको मिला देता है या मिक्स कर देता है, इसका मतलब है हमें एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहा। आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं, आप हमेशा इसको कहते हैं जी हंडिया में चम्मच का किरदार, यार क्या हो गया आप लोग, तकरीबन नेगेटिव सोचते हैं। नहीं, मेरे ना, कितना इसको अगर नहीं घुमाओगे आप, इसको घुमाओगे नहीं तो ये अपनी जगह पर चीज रहेगी, नहीं रहेगी, फायदा नहीं होना, तो तो इसका मतलब है इन दोनों को, इनको मिलाने से, मिलाने का मतलब क्या होता है कि सबको एक दूसरे से मिला के रखें, तो ये चम्मच वो भी किरदार अदा करता है। क्या हो गया है आप लोगों को? टमाटर उसके बाद ऐड करेंगे, यस ओके। ये है 4 अदद टमाटर, ओके। अच्छा, इसको कितनी देर लगेगी टमाटर को उसमें मिक्स होने में, इसको नरम करने पर? बिल्कुल नरम होगा ये, ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं सलमान साहब, कौन सी ऐसी सब्जियां या कोई ऐसी डिश जो रात में नहीं खानी चाहिए, जो हजम होने में मुश्किल करती? आना चाहूंगा, अभी आपने चम्मच का जिक्र किया, चम्मच के किरदार का जिक्र किया, मेरी बातों को इतना नोट करते हैं नहीं, मैं बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त चीज बताई, मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि चम्मच का किरदार बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे जिस्म में खून का किरदार है, क्योंकि हमारा निजाम दौरान खून ही वो वाहिद जरिया है जो पानी की तरसील को
कैल्शियम की तरसील को, प्रोटीन की तरसील को मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा तक पहुँचाता है और वही जरिया हमारे पास खून ही है। तो आपने चमचे का जिक्र किया, तो ये चमचा ही है जो सब मिक्स करता है। तो इसी तरह हमारा ब्लड है हमारे जिस्म के अंदर जो इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहा होता है और एक यकजा एक पोजिशन पर जो है वो रखता है। दूसरा आपने सवाल किया कि रात में कौन सी सब्जियां जो है वो नहीं खा के सोनी चाहिए। रात में खास करके आयरन वाली सब्जी खा के नहीं सोना चाहिए, स्पेशली जिससे आयरन आपका अगर प्लस हो जाता है या इंक्रीज कर जाएगा तो मोशन की सूरत जो है वो सामने आएगी, पेट में दर्द और मोशन की सूरत जो है वो सामने आ जाती है। और ख़ास करके जो रात में आपने लेनी फाइबर वाली सब्जियाँ इस्तेमाल करें जिसमें रेशा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि भिंडी में रेशा होता है ये फाइबर में नहीं आती, आलू में रेशा नहीं है ये फाइबर में आपको मिल जाएगा, आपको इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आप इसको इस्तेमाल बहुत ही इजीली और बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। रात को गोश्त का इस्तेमाल जो है वो कोशिश करेंगे मगरिब के बाद या इशा के बाद कर लें, बहुत लेट नाइट गोश्त को ना खाएं। मैं समझता हूँ कि अगर गोश्त दोपहर में इस्तेमाल हो तो सबसे बेस्ट है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और ये हज़म भी बहुत आसानी के साथ हो जाता है। रात को इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है दालें और जो है इनका इस्तेमाल करें और स्पेशली रोटी का इस्तेमाल करें, चावल का इस्तेमाल। क्या बात है सलमान, थैंक यू सो मच। वाकई में कुछ चीज होती है जो रात को हजम नहीं होती। चले जी, मसाले में सबसे पहले नमक ऐड किया, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी, हल्दी इसमें ऐड कर ली, ठीक है, जो हो गया। और लाल मिर्च, लाल मिर्च पिसी हुई, ओके। गरम मसाला भी, गरम मसाला भी ऐड कर लिया, ओके। स्पाइस जिसे हम कह सकते हैं हम लोग, पिसा हुआ धनिया और स्पेशल चार मसाला। ये स्पेशल चार मसाला इसमें हम बताएंगे भी, ये दम पे रखने के बाद ये चार मसाले में कौन से चार यूज हुए। चार नहीं हुए, बहुत सारे होते हैं मगर हमने इसका जो नाम दिया हुआ है ना चार मसाला। यस, और मैं तो इस मसाले के बिना भी फूड बना लेती हूँ, मगर जब हस्बैंड का कोई ऑर्डर आते हैं ना उसमें डालना पड़ता है, पहले बनाओ फिर मैं बनाऊंगा। नहीं ऐसे घर में देखिए सभी बनाते हैं, जब डिफरेंट होगा तो फिर लोग टेस्ट करते हैं ना, तभी तो हाथों को जायका लगता है यार ये मजे पहले चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए। हाँ, शेफ राइला का नंबर भी मौजूद है और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई ऑर्डर करवाना, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत माशाल्लाह जबरदस्त बनाती हैं। और अच्छा, इसे बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है ना बुनाई कर लेंगे, क्योंकि सब्जियां फ्रेश और ताजी अच्छी लगती है। ये बात हुई ना, यानी उनको वो नजर भी आए, उनके कलर्स नजर आए। अब क्या हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, हमने चलिए बिस्मिल्लाह करें इसमें, भिंडी और आलू इसमें ऐड कर देना है हमें। जबरदस्त, ओके, वाओ। बहुत ही सूदमंद है और बहुत फायदेमंद है। इसमें अमूमी तौर पे होता है कि भिंडी का जो कच्ची भिंडी को पीस के उसका लेस बना के भी जोड़ों पर रखा जाता है, लगाया जाता है और इसको पकाकर खाया भी जाता है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो अरवी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जोड़ों के दर्द के लिए। जी, दोनों के अंदर लेस होती है और लेस वाली जितनी भी सब्जियाँ हैं वो तमाम की तमाम जो है वो हड्डियों के लिए और गूदों के लिए, हड्डी के बहुत बेस्ट है। अच्छा, इसको हम कितनी देर रखेंगे, बस ये रेडी हो गया ना? ये बिल्कुल रेडी है। कितनी क्विकली इसने बनाई है, ओ हो जबरदस्त। यानी कि उन्होंने पहले से जो, क्योंकि डिश का नाम भी फ्राई भिंडी है, आलू भिंडी, तो फिर ऑफ कोर्स ये देखें जी, और क्विकली हो गया। बस इसको कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट रख लें बस इसको रहने भी, और डिश जरा माइंड में दिखाएंगे यार। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर डिश का नाम बता दो, फ्राई भिंडी आलू। फ्राई बिंदी आलू, यू मस्ट बी ट्राई एट होम किचन। यस, जानेंगे छोटी सी ब्रेक, लेकिन जाने से पहले मैं सलमान आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी एंड सुमेरा अल्ताफ आपका बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट वेडनेसडे फिर आपको ज्वाइन करेंगे जरूर। और जी नाजिन, हम लोग जानेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।